का एक खासियत यह है, अभी आप जो चेहरा देख रहे हैं आपको हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ जैसे बच्चे हंसते फलते रहते हैं, वो अभी रूप दिखाई पड़े के दिन इनके चेहरे पर रौद्र रूप आ जाएगा। आज जो आप देख रहे हैं कल इनको देखिएगा फिर आखिरी, तो चेहरे में आपको साक्षात बदलाव आवेगा। और परसों जिस दिन इनका विसर्जन का समय होता है और कलश विसर्जन हो जाता है, आप देखिएगा तो लगता होगा कि देवी जी रो रही हैं, इस तरह से चेहरे का भाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं सचाटो, मैं देवेंद्र सिंह। लड्डू नवरात्रि की चारों तरफ पे धूमी धूम है और जो भी भक्त है श्रद्धालु है अलग अलग जगह जगह पर जाकर जहाँ जो पूजा पंडाल है वहाँ पर माता रानी की आराधना कर रहे हैं। एक ऐसा स्थान है पटना सिटी का ही है जो छोटी मूर्ति है लेकिन काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन आप चकमा खा जाइएगा, आप सोचिएगा आर्टिफिशियल आभूषण है लेकिन कतई नहीं, यहाँ असली आभूषण है, चाहे वो सोने का हो या फिर चांदी का। हम चर्चा चलाएंगे जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स का प्रोप्राइटर है शशि शेखर रस्तोगी जी के आवास पर। एक छोटी सी मूर्ति है लेकिन काफ़ी खूबसूरत है और दूर दराज से लोग ये दर्शन करने के लिए आते हैं। हम आज आपको दर्शन कराएंगे असली आभूषणों की मूर्ति, मतलब सोना, शुद्ध कैरेट सोना जो आप जानते हैं जो आभूषण बनाए जाते हैं उस तरह का सोने का या हार है, तमाम तरह का, चाहे वो चांदी का सिंहासन हो, ये आपको हम आपको नज़र दिखाते हैं। ये देखिए, ये छोटी सी मूर्ति है, हम इन्हीं मूर्ति का चर्चा चलाने के लिए अब यहाँ पर आए हैं और काफ़ी भव्यता है यहाँ। जब देखिएगा तो छोटी मूर्ति है लेकिन काफ़ी खूबसूरत है। पटना सिटी में वैसे अगर आभूषणों का चर्चा चलता है तो चांदी की देवी कहलाता है सोना टोली इसी पटना सिटी में, लेकिन सिर्फ चांदी का ही है, लेकिन यहाँ सोना भी है और चांदी भी है। इस आवाज़ के रहने वाले जो शशि शेखर रस्तोगी जी है, पिछले 100 वर्षों से ऊपर इनकी पूर्वज जो थे वहाँ शुरुआती धीरे धीरे कर एकत्रित आभूषण गहना कर आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि एक भव्यता लेकर आए हैं। क्या कुछ कर रहे हैं शशि शेखर रस्तोगी जी और क्या कुछ करें इनके परिवार के लोग, हम उनको बात को सुनते हैं। सर जय माता दी। जय माता जी। छोटी सी मूर्ति है, काफ़ी खूबसूरत है सर, कितने वर्षों से बैठा? ये 1805 से शुरू हुआ इनका पूजा यहाँ, तो पहले यहाँ तो नहीं था, मकान दूसरी जगह था, वहाँ होती थी और कैलेंडर के रूप में रख के पूजा होती थी। 1918 से यहाँ ये मूर्ति बैठने लगी हैं और तब से लगातार बैठ रही हैं। मूर्ति ये इतने ही बड़े स्वरूप की हैं और जिस वक्त मेरे नाना स्वर्गीय सुरतन लाल जी रस्तोगी उन्हीं के द्वारा ये स्थापित हैं, उनके पास उस वक्त कोई ऐसा पैसा नहीं था, लेकिन अपने पैसे में से काट काट के वो हर साल कुछ कुछ बनाते गए। करीब 10 साल में ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार हुआ, जो पूरा इनका ढड्डर पीछे का स्थान सब चांदी से मढ़ा हुआ है और जेवर जो है हर साल कुछ ना कुछ इनको बढ़ जाता, जो सब सोने और चांदी का, कोई आर्टिफिशियल जेवर नहीं है इनका। और इनको बाल स्वरूप मान के हम लोग देवी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी के, चूँकि व्यापारी लोग हैं हम लोग, तो देवी को लक्ष्मी का रूप मान के पूजा करते हैं, इसलिए इनका मेन सवारी अब हाथी देख रहे होंगे जो लक्ष्मी जी के अगल बगल रहते हैं हर फोटो में। और शेर चूँकि देवी स्वरूपा है इसलिए प्रतीक के रूप में शेर भी रखा जाता है। ये कमल के पुष्प पर खड़ी रहती हैं और सौम्य मुद्रा में, कभी इनको क्रोधित नहीं आपको देखिएगा, ये चेहरे की इनकी खुशियत है। और लगातार 1908 से आज तक मूर्ति ना इनमें कोई बदलाव हुआ है, ना इनके शक्ल में, ना सूरत में, ना लंबाई में, ना चौड़ाई में, क्योंकि इनका सारा जेवर जो है फिक्स है, तो अगर मोटी पतली होंगी तो जेवर उनका नहीं पहना पाएंगे, इसलिए हर चीज़ का नाप वगैरह फिक्स है, ऊंचाई से लेके हाथ पर की मोटाई तक। और चूँकि चारों तरफ चांदी मढ़ा हुआ है इसलिए इनका नाम ही पूरे पटना में चांदी की देवी जी के नाम से विख्यात है। इसके बाद जो है दूसरी चांदी की देवी जी जो है सुनार टोली में सुनार लोगों के द्वारा स्थापित है, वो पूरी मूर्ति चांदी की है। ये मूर्ति चांदी की नहीं है लेकिन इनका सारा साज सामान चांदी और सोने का है, और वो मूर्ति सिर्फ चांदी की, उनका कोई साज सामान सोने चांदी का नहीं है, इसलिए
ज़्यादा प्रतिष्ठा लोगों को मालूम है कि यही देवी जी चांदी की। क्या कहेंगे? हम लोग को तो घर में आते तो हम लोग को लगता कि हमारा घर बड़ा पूरा हो गया। और जिस दिन ये दसवीं के दिन विदा होती हैं तो हम लोग को जैसे बेटी विदा करते हैं आज हम लोग रोने लगते हैं, उसी तरह से हम लोग का भी मन भर आता है और हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। जी बताइए, एक आस्था है। मैं देवी जी के लिए एक भजन गाना चाहूँगी। रेशम वाली लाल चुनरिया मैं रंगवा के लाई रे, जय माता दी कहते कहते दूर दराज से आई रे, मेरी अखियों में बस माँ की छवि छाई रे, चलो रे चलो माँ के दर्शन को, चलो रे चलो माँ के दर्शन को। ये देवी का एक खासियत ये है, अभी आप जो चेहरा देख रहे हैं आपको हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ जैसे बच्चे हंसते भलते रहते हैं वो अभी रूप दिखाई पड़ेगा। कल अष्टमी के दिन इनके चेहरे पर रौद्र रूप आ जाएगा। आज जो आप देख रहे हैं कल इनको देखिएगा फिर आके, तो चेहरे में आपको साक्षात बदलाव आवेगा। और परसों जिस दिन इनका विसर्जन का समय होता है और कलश विसर्जन हो जाता है आप देखिएगा तो गर लगता होगा कि देवी जी रो रही हैं, इस तरह से चेहरे का भाव। यह तभी संभव होता है जब उनकी प्रतिष्ठा और पूजा अगर ढंग से इनका हो, आवाहन सही से हो, विसर्जन सही से हो, पूजा जो डेली दैनिक पूजा होती है सही हो, तो देवी में खुद रूप आ जाता है। आज आप देख लीजिए चेहरे को गौर से और कल फिर इसी चेहरे को देखिएगा, मूर्ति वही है उसमें कुछ है लेकिन चेहरे का भाव बदल जाएगा कल। और परसों फिर सुबह कलश विसर्जन के बाद आप जाके देख लीजिएगा, आपको साक्षात लगेगा कि देवी रो रही हैं। ये इनकी खुशियत है, इसलिए कि इनकी पूजा हम लोग पूरे प्रतिष्ठा से और जो विधि विधान से होती है, बंगाली विधि से नहीं होती, सनातनी ढंग से होती है और पूजा इनकी बहुत प्रतिष्ठा से होती है। ये थे शशि शेखर अशोकी, उनके परिवार के लोग थे और काफ़ी उत्साहित माहौल है। जब देखिएगा तो यहाँ पर एक भव्यता है, पटना सिटी कचौड़ी गली स्थित यहाँ पर मूर्ति है, विराजमान है। आप तमाम जो भी भक्त जो श्रद्धालु अगर दर्शन करना चाहते हैं तो आप असली आभूषणों की मूर्ति आप कह सकते हैं कि जो आभूषण जो गहना जो है चाहे वो सोना हो या फिर चांदी, साक्षात देवी के दर्शन कर सकते हैं। ऐसा साइट हुआ, आप देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय माता दी।